हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ साइंस 2 का क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पांच लेसन का, क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है पांच लेसन का होने वाला। अब ये चीज बोलोगे सर क्या ये जो क्वेश्चन आप बताओगे सेम यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, बट इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम तो आप लोग का 40 नंबर का होगा, अगर इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लिए 100% आप लोग का 30+ हो जाएगा, 30+ ही आएगा। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर हो या तो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे। बस आप लोग को इतना ही करना है, आप लोग को बोला जाता है कि बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो। बस आप लोग शेयर करोगे 100% आप लोग का इसी तरीके से मैथ का भी आप लोग को मिलेगा। साइंस 1 का ऑलरेडी 5 लेसन का आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट अपलोड है, उसको देख सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लेना, उसको भी लर्न कर डालना, प्लस इसको जितना दे रहा हूँ उतना आप लोग पूरा करके रख लेना। अब इसे देख रहे हो साइंस का 5 लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस पांचों लेसन का जितना बता रहा हूँ उतना अगर कर डाले तो आप लोग 100% बोलता हूँ आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आ सकता है। या इंग्लिश मीडियम हो, इंग्लिश सेमी इंग्लिश मीडियम या तो आप लोग का हिंदी मीडियम, सब लोग अपने टेक्स्ट बुक में निकाल लेना। जो जो टिकआउट यहाँ पर करूंगा सेम वही अपने बुक में टिकआउट करके आप भी लर्न कर सकते हो। तो बस करना क्या आपको, बस सब्सक्राइब करना और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना। देख रहे हो यहाँ पर 5 लेसन का मैं आप लोग को बताने वाला यहाँ तक, ये 5 लेसन का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला, जो बोर्ड एग्जाम हो और फर्स्ट सेमेस्टर हो बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर से देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखोगे इसमें पहला जो लेसन आप लोगों को हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करके चैप्टर है उसमें से कौन सा किया जाए, ध्यान से देखना। इसमें से ये जो तीनों जो डिफिनेशन है ये तीनों डिफिनेशन अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस इसको अच्छी तरीके से इतना कर ही लेना पहले, उसके बाद अगर आप लोग को और करना हो तो कर सकते हो। मैं जोर जबरदस्ती नहीं कि यही करके जाओ, बट इतना तो कर लेना, मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ। अगर आप लोग का एम है अच्छा खासा नंबर लाना साइंस में, साइंस 1 का ऑलरेडी अपलोड है। अब इसे देखो अगर तीनों डिफिनेशन याद करना रहेगा, तीनों डिफिनेशन याद करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखो एक छोटा सा कार्बन डेटिंग मैथड, एक कार्बन डेटिंग मैथड थोड़ा सा आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखना, क्योंकि और इसे डॉक्टर हरगोविंद खुराना और क्या किए थे, इनको नोबल प्राइज इन 1968 में 20 अमीनो एसिड का खोज किए थे। बस इसको इतना कर लेना, उसके बाद और आगे आ जाओ क्या आप लोग को होता तो ध्यान से सुना। यहाँ पर एक म्यूटेशन का डिफिनेशन देखो, म्यूटेशन का आज पांचों लेसन का दे रहा हूँ, बस इतना करना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ से एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ दिस चेंज, यहाँ पे जीन चेंज ऑफ द पोजिशन दैट आर केसेस ऑफ दिस माइनर चेंजेस विद दिस नथिंग बट दिस म्यूटेशन, इसको अच्छे तरीके से करना। उसके बाद यहाँ सिकल सेल एनेमिया करके एक डिसऑर्डर है, इसी के बारे में, म्यूटेशन से होने वाला रोग है एनेमिया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। बस इतना समझ के रखो, ये 100% करके ही रखना। अब उसके बाद इवोल्यूशन का आप लोग को सिंपल से आप लोग को क्या करना है, इसका डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन इसका कहाँ है ये देखो, यहीं ग्रेडुअल चेंजेस, बस इतना ही आप लोग कर लोगे तो भी आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, जो जो बता रहा हूँ उतना तो 100% आप लोग करके जाना, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाओगे, सर जो जो बताया था वो आया था बट मैं करके नहीं गया था। अब देखो यहाँ पर देखो इसका एविडेंसेस का नाम देखो ध्यान से, नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल हर का अच्छी तरीके से याद कर लेना, पहले से बता के रख रहा हूँ। उसके बाद आप लोग को और आओगे तो यहाँ पे देखो ये शॉर्ट नोट, क्या इसका याद करना, शॉर्ट नोट, इसको शॉर्ट नोट याद करना। उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पे देखो डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेना। उसके बाद और आगे आओगे तो आप लोग को यहाँ पे देखोगे दिखेगा कार्बन डेटिंग मेथड, ये भी बहुत बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा करके रखना। देखो यहाँ पे दिया गया कार्बन डेटिंग मेथड, इस तरह से आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो, इसको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा, इसको भी आप लोग कर सकते हो, ये सब भी पूछा गया है बार बार। और कनेक्टिंग लिंक का आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना रहेगा, कनेक्टिंग लिंक का ये डग बिल क्या होता है, लंग फिस एक इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो कनेक्टिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक पे शॉर्ट नोट, तो इंग्लिश मीडियम हो या सेमी सबके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से इसको अच्छी तरीके से टिक आउट कर लेना। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया, सिंपल तरीका कनेक्टिंग लिंक जहाँ पर ख़त्म हुआ देखो यही है कनेक्टिंग लिंक का पूरा शॉर्ट नोट। और यहाँ पे देखो पेरिपेटस दिया गया है पूरा अच्छी तरीके से, ये भी अच्छे तरीके से कर सकते हो इतना।
बस हो जाएगा आप लोग का कनेक्टिंग लिंक का। बाकी आप लोग को अब देखो इम्ब्रोलॉजी, आप लोग को इम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं करना है। डार्विन थ्योरी देखो, डार्विन थ्योरी के आप लोग को क्या करना रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों करके अच्छे तरीके से रख लो। और यहाँ पर एक उनके बुक का टाइटल है, उसको बुक का टाइटल अच्छे तरीके से करके रखना। और यहाँ पे तीनों उसके ऑब्जेक्शंस हैं, सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों कर लेना। उसके बाद आप लोग को देखो बड़ा एक भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। अब उसके बाद लामार्किज्म का उधर दिया, उधर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये देखो ये भी आप लोग को छोटा सा याद कर सकते हो। देखो फर्स्ट रिकॉर्डेड जो दिया एनिमल्स आदिश्रमा पितस करके दिया है, एप ईस्ट अफ्रीका में पाया गया था। ध्यान से सुनना इसको अच्छे तरीके से, आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स में अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। और उसके बाद आप लोग को और आगे आओगे तो क्या याद करना है, देखो होमो सेपियंस करके है, उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना और इनका नाम। बस आप लोग को इतना ही करना था। उसके बाद अब आप लोग को बताते हो, देखो एक्सरसाइज से आप लोग को पहला वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स ऑड मैन आउट ये सब करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखोगे, आप लोग को देखो इसे से मैं कनेक्टिंग लिंक और ये और देखो यहाँ कनेक्टिंग लिंक और डार्विन थ्योरी दे दिया था। अब इसे से आप लोग इम्ब्रोलॉजी अच्छे तरीके से याद कर लो और लामार्किज्म में। तो इम्ब्रोलॉजी देखो बीच का अगर आप लोग नहीं याद करोगे तो साइंस से आप लोग को ये सोचोगे ना कि मैं एक्सरसाइज से बस करके जा रहा हूँ तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आप लोग को बहुत सारा नंबर छूट सकता है, इसके लिए जितना अंदर से भी बताया उसको भी कर लेना, बट ये चीज़ अच्छी तरीके से कर लेना जो कनेक्टिंग लिंक और इम्ब्रोलॉजी और उसके बाद डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन ऑब्जेक्शन पहला बी वाला सी वाला और एक यहाँ पे ई वाला अच्छी तरीके से करके रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हेरिडिटी का डिफिनेशन, हेरिडिटी का क्या करना है आप लोगों को डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना है। और उसके बाद ये वेस्टिजल ऑर्गन में ऑलरेडी अंदर दे दिया था। अब उसके बाद एक्सरसाइज से क्या किया जाए, देखो एक्सरसाइज से आप लोग को ध्यान से देखना, एक फोजिल का डिफिनेशन करके दिया इसको कर लो। उसके बाद आप लोग को इसमें से करना चाहिए, देखो बी वाला करो अच्छी तरीके से, बी वाला और एक सी वाला अच्छी तरीके से, बी सी और यहाँ पर ई और एक यफ कर डालो। बस इतना अच्छी तरीके से करके रखना, अगर यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकती हो। तो ये चार क्वेश्चन वेरी वेरी देखो वेरी 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 आईएमपी है, क्योंकि ये आप बोलोगे सर क्या यही आएगा क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ ये बार बार अगर तुम खुद भी आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिस पेपर 2021 का 2023 तक अच्छी तरीके से अगर देखोगे ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है बार बार। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ और ये भी बहुत कम चांसेस रहता है पहला पूछने का, बट आप लोगों से बोलूँगा बी सी और यहाँ से डी ई और एफ अच्छी तरीके से करके रख लेना। अब उसके दूसरे लेसन में आ जाते, दूसरे लेसन में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन है, इसमें से क्या किया जाए देखो ध्यान से। इसमें से कुछ कैलोरी दिया गया, एनर्जी किसके अंदर कितना पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितना पाया जाता है, देखो कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है 4 किलो कैलोरीज एनर्जी, ये अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में का पूछा जाता है और बाकी तो कुछ भी नहीं है। ए डायग्राम एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हो, अच्छी तरीके से कर लेना। और इसे एक चीज़ दिया देखो यहाँ पर सोल्यूबल, देखो मोलकुलस कितना होते, देखो NaDH2 के अंदर 2 मोलकुलर्स होता है और FeDH2 के अंदर देखो FeDH2 के अंदर 2 मोलकुलर्स और NaDH2 के अंदर आप लोगों का 3 मोलकुलर्स होता है। NaDH2 के अंदर 3 मोलकुलर्स और FeDH2 के अंदर कितना मोलकुलर्स रहते हैं, 2 मोलकुलर्स, याद रखना। ये देखो यहाँ पर मैं और अच्छी तरीके से एक बार और टिकआउट करके दे देता हूँ आप लोग को, देखो ये चीज़ इसका दिया है और ये चीज़ इसका दिया है, याद कर लेना क्या चीज़ है। उसके बाद और क्या करना चाहिए आप लोग को ध्यान से देखना, ये दोनों डायग्राम देखो, ये दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना चाहिए, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, एक्टिविटी के माध्यम से पूछा जाता है। उसके बाद और क्या करना चाहिए देखो, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे दो चीज़ दिया है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो स्टेप बताए देखो यहाँ पर, दोनों स्टेप है ये यहाँ पर ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप,
एनरोबिक रेस्पिरेशन, बस इसको अच्छे तरीके से स्टेप याद करके रखना, कितना स्टेप, एक ग्लाइकोसिस एंड दिस फर्मेंटेशन है ये चीज। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए देखो ध्यान से, इसीलिए मैं आराम से बता रहा हूँ कि आप लोग को पूरा समझ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे ना। और यहाँ पर देखो एक दिया गया है प्रोटीन के अंदर कितना पाया जाता, देखो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोटीन, ये सब बीच का क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाता है, इसके लिए बोलता हूँ इसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद और ऊपर आओगे तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से करके जाना, इसको गायब कर देंगे तो उसे आप लोग को भरना रहेगा। उसके बाद आप लोग और आगे आओगे तो यहाँ पर देखो एक चीज़ दिया गया ये यहाँ पर 9 किलो कैलोरी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। और लिपिड्स का डिफिनेशन याद कर लेना, यही है लिपिड्स का डिफिनेशन, द सब्सटेंस फॉर्मेड आर द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन दिस फैटी एसिड एंड दिस अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। अच्छी तरीके से याद करना, बस आप लोग को बस एक चीज़ बोला जाता है, बस सब्सक्राइब करो जितना हो सकता है, वीडियो को शेयर करो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आता है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। देखो इसमें एक आप लोग को BC, देखो यहाँ पर BCR वाटर सोल्यूबल, और एक आप लोग को यहाँ पे ADEK जो फैट सोल्यूबल। देखो यहाँ याद रखना, इतना अंदर से बता रहा हूँ तो मतलब याद करके ही रख लेना, ये बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अच्छा नंबर आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसके लिए। उसके बाद आप लोग को कुछ भी इधर नहीं करना है, ध्यान से देखते रहना। अब माइटोसिस और मियोसिस दोनों का अच्छी तरीके से नाम और आप लोग नाम और एग्जाम्पल याद कर सकते हो। उसके बाद इसका दोनों का डिफरेंट बिटवीन, दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छे तरीके से याद कर लो बस। अब एक्सरसाइज से देखो, मैं पहले बताया आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा करना है और क्वेश्चन 5वां करके ही रख लेना। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में क्या करना चाहिए देखो, क्वेश्चन आंसर प्लस ए। क्वेश्चन आंसर में आप लोग को सिंपल से डिफिनेशन में आप लोगों का सेलुलर, ग्लाइकोसिस, एरोबिक और इसमें से प्रोटीन, तीन अच्छी तरीके से चार करके रखना। कौन कौन सा आप लोग को देखो, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से देखना, ये तीनों हैं इस साइड से, ये तीनों और यहाँ से, ये अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। और डिस्टेंस बिटवीन ए वाला तीनों करके रखना, तीनों में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है, इसी पेपर में आप लोग को देख लेना, इसी पेपर में का क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद क्या करना रहेगा देखो, इसमें से आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें से कौन सा किया जाए, देखो इसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा ध्यान से देखना। साइंटिफिक रीजन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है, जो चीज़ आप लोग को जा रहा हूँ बताने। देखो सी वाला सेल डिवीजन, उसके बाद क्रेब्स साइकिल, और एक ऑक्सीडेशन जो आप लोग, ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज, इसको अच्छी तरीके से करके ही रख लेना। तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, ये तीनों करके रखना। उसके बाद अगर आप लोग को और करना रहेगा तो सेकंड वाला कर लेना, बट मैं आप लोगों से बोलूँगा तीन जो ए और ए वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन इन डिटेल, एक तो पहला ही वाला आप लोग को करो एक्सप्लेन द ग्लाइकोसिस इन डिटेल में, और उसके बाद और क्या क्वेश्चन करना चाहिए देखो, यहाँ पर एक क्रैब साइकिल अच्छी तरीके से करो, क्रैब साइकिल अच्छी तरीके से कर लो विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम ऑफ माइटोसिस, बस उसको अच्छी तरीके से करके रखो, और बाकी तो और कुछ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट इतना आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। अब आ जाता है तीसरा लेसन, तीसरे लेसन में से क्या किया जाए, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इसमें से देखो क्या करना है आप लोग को ध्यान से सुना, देखो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करके रखना, क्या डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके से याद करके रखो। उसके आप लोग को डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, तो यही है यहाँ पे दिया गया, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म दिया गया है ऑफ द सेम स्पीसी विदाउट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स, दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग अच्छे तरीके से कर ही लेना, क्योंकि इतना अंदर से आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। अब उसके बाद आता है यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, दोनों का आप लोग को नाम देखो ध्यान से, नाम और एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर लेना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यूनिसेलुलर
और एक मल्टी सेलुरल है उसको दोनों का अच्छी तरीके से कर लेना, पहले से बता रहा हूँ। और एग्जांपल देख रहे हो, बर्डिंग अर्डिंग दिया गया है सब, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर लेना। यहाँ पे देखो मल्टी सेलुरल का दिया गया है, इसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से नाम देखो फिर लिख दे रहा हूँ, क्यों आप भूल ना जाओ। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम या सेमी इंग्लिश मीडियम, सबके लिए बस इतना करके जाओगे तो भी आप लोग का 30+ आने वाला है। नाम और एग्जांपल, उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया गया है, ये सब आप लोग को उसी में एग्जांपल और नाम याद कर लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है देखो, इसे दो जेंस दिया गया, एक मिनट हाँ ये वाला देखो, ये सब एक्सरसाइज में मैं एक्सरसाइज से बता देता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखना क्या एक्सरसाइज से भी करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज में दिया गया है। बाकी ये डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना, इससे आप लोगों को डाइजेशन क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इसका साइंटिफिक रीज़न आता है, साइंटिफिक रीज़न आ सकता है आप लोग को डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर एक पोलिनेशन करके एक था, यहाँ पर देखो पॉलिनेशन करके है, उसको अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर यही है लाइन पॉलिनेशन का, इसको अच्छी तरीके से करके रखना, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, डायग्राम अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद आप लोग को और आगे आना है तो और आगे आ जाओ, तो क्या करना है देखो, ये मेल और फीमेल देखना ध्यान से, मेल और फीमेल जो डायग्राम आप लोग को, डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ध्यान से सुना, ड्रॉ करने के लिए आज तक नहीं पूछा गया है। बस इसका क्या पूछेगा आप लोग को, नाम दिया रहेगा डायग्राम, आप लोग को नाम पूछेगा तो आप लोग को उसे देख के ड्रॉ कर लेना है। नाम पूछेगा और उसके पार्ट का फंक्शन पूछेगा, इसके पार्ट्स जो हैं उनके फंक्शन अच्छी तरीके से आप लोग को 4 से 5 अच्छी तरीके से याद कर लेना। और इसका ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम दोनों का डायग्राम और दोनों का अच्छी तरीके से क्या करना है आप लोग को, देखो यहाँ फीमेल का अच्छी तरीके से याद करके रखना है। उसके बाद और आगे आ जाते हो तो यहाँ पर दिया गया देखो, फर्टिलाइजेशन दिया गया है, उसका डिफिनेशन याद कर लेना, इसे कितने हैं या देखो, बस इतना ही आप लोग को अच्छे तरीके से याद कर लेना है तो भी हो जाएगा। अब उसके बाद देखो और आगे आ जाते हैं, मेंसुरेशनल साइकिल, इसका क्या होता है, इसका डिफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्या डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो दिया भी गया है डिफिनेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज ऑफ द सम चेंजेस आर द दिया प्रोबेबिलिटी एंड थस दोस चेंजेस आर द रिपीट एट इंटरवल ऑफ द एवरी 28 to 30 days। ये आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हो ये डिफिनेशन। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को ध्यान से देखना, अब यहाँ से शॉर्ट नोट याद हो जाता है, शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये तीनों, 1, 2, 3 तीनों को अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ शॉर्ट नोट आप लोग को याद करना रहेगा। उसके बाद आप लोग और आओगे तो यहाँ पे ट्विंग दिया है, ट्विंग पे आप लोग को कितने टाइप्स होते हैं, देखो यहाँ पे 2 टाइप्स दिया गया है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर मोनोजाइकोटिक और एक क्या है जाइकोटिक। ट्विंग्स आर द 2 ग्रुप डेवलप आर द सेपरेट एम्ब्रियोस आर दिस मोनोजाइकोटिक, इसी में देखो दिया है 1 मिनट मोनो और ये डायोजेनेट, यही जेनेट जॉकेट दिया गया है। और उसके बाद क्या करना रहेगा, यहाँ पे नाम है दोनों का, सिर्फ टाइस याद कर लेना हो जाएगा जायगोटिक। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए देखो, और इधर से कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बात जाते एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से देखो आप लोग इसके बीच का बस मत याद करना, आप लोग जो लिखा गया वो भी याद करके रख लेना, क्योंकि अगर बाद में तुमको अगर पेपर में क्या पूछ ले असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, आप लोग को सिस्टम क्या पूछ ले कि डिफरेंट बिटवीन पूछ ले वैसे बिना बनाए, तो आप लोग इसको 5-5 पॉइंट लिख दोगे तो भी हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा तो आप लोग इसमें भर देना एक्टिविटी के माध्यम से, तो 2 बेटर हो जाएगा। बस इसको पूरा अच्छे तरीके जितना दिया इसको भर के पूरा दोनों याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स अच्छी तरीके से करो,
उसके बाद आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से करो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब करना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें से देखो, एक्सप्लेन बी वाला अच्छे तरीके से करो, पोली यहाँ पर प्रिक्वेशन ऑफ द योर फॉलो ए अच्छे तरीके से करो, उसके बाद हेल्थ वाला। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बाकी ये ए बी सी कौन से ए बी सी अच्छी तरीके से करके रखना ए बी सी। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आ जाते हैं, क्या करना रहेगा यहाँ पे देखो, इसमें से देखो डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करना है, ए बी सी, ए बी सी तीनों आना चाहिए डायग्राम और उसका नाम आना चाहिए। उसके बाद आप लोग को गिव द साइंटिफिक रीजन में ए वाला नाम में पूरा अच्छे तरीके से करना है, पूरा टोटल। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको अच्छे तरीके से करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर ए जो दिया गया है यहाँ पर एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आठवां अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। उसके चौथे वाले लेसन पे आप लोग को क्या करना रहेगा देखो ध्यान से, चौथे वाले लेसन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बताऊंगा ध्यान से उतना कर लिए तो भी हो जाएगा। ए वाला डायग्राम अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, इकोसिस्टम वाला, ये क्लास 8 में भी आप लोग को देखने के लिए मिला था, 9th में भी मिला था और 10th में भी मिला। अब इसमें से क्या करना है देखो, एक तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखना इसको, और उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा ध्यान से देखना, या यहीं पर एक इकोलॉजी का देखो दिया गया डिफिनेशन, बस द साइंस ऑफ दिस डील्स विद दिस स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड दिस अबायोटिक फैक्टर ऑफ दिस एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। बस इतना करके रखो हो जाएगा आप लोग का। और यहाँ पर इकोलॉजी देखो, इकोलॉजी इकोलॉजी यहाँ पर इकोसिस्टम, उसी के जस्ट आगे दिया बेसिस फंक्शन ऑफ दिस यूनिट यूज टू स्टडी दिस इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बस इतना आप लोग को करके रखो। उसके बाद आप लोग को और आगे देखो, अंदर अंदर से दे रहा हूँ बस आप लोग को एक लाइक और एक कमेंट के लिए, बस आप लोग को इतना सपोर्ट और प्यार है कि इसके लिए हम लोग इतना आप लोग के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट ऑफलाइन अपना क्लास बंद किए, उसके बाद आप लोग को बता रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना चाहिए देखो ध्यान से, रेडियो पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में आप लोग को सिंपल सा शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, इसके लिए आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ के जाना ध्यान से। उसके बाद नीड ऑफ द कंजर्वेशन ये दिया गया यहाँ पे, ये डायग्राम आप लोग कर लो बस। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए देखो ध्यान से, जादव मलाई का अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनका स्टोरी। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए देखो, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ये आप लोग को एक्सरसाइज ने दिया, एक्सरसाइज से मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्क्रेड स्क्रेड ग्रवेश दिया गया, इसको आप लोग का शॉर्ट नोट यहाँ पर एक दिया गया है, चार पॉइंट कितना, चार पॉइंट याद कर लेना इसका। उसके बाद क्या करना रहेगा देखो ध्यान से, एयर माय रोल, इससे अच्छे तरीके से इसको पढ़ के जाना, माय रोल एनवायरनमेंट इसको बना के भी लिख सकते हो आप लोग इजिली। उसके बाद और क्या करना रहेगा ध्यान से सुनना, बंगाल टाइगर सुंदरबन, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और मैंने सेकेंडरी दिया गया है थ्री, तो असम में दिया गया आप लोग को, उसमें किसके टाइगर और रैनो ये दोनों पाए जाते हैं, अच्छे तरीके से इसको करके रखना। उसके बाद और क्या करना चाहिए ये देखो, इसमें इसको आप लोग को थेंड्रेड जो दिया गया है, नेड स्पीसीज जो दिया गया प्रजाति, इसके एग्जाम्पल और नाम, चार नाम है चारों के एग्जाम्पल, और उसको अच्छे तरीके से नाम याद करके रखो बस हो जाएगा, नाम और एग्जाम्पल। और यहाँ पर आ जाता है एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज से क्या किया जाए देखो, एक्सरसाइज से आप लोग को करना चाहिए, इसमें से आप लोग को ए वाला सी वाला तो अच्छे तरीके से कर ही लो, इसमें से सी वाले में से आप लोग को पूरा ऑल टोटल में बताया वहाँ, बिश्नोई जो चिपकू मोमेंट है ये भी आप लोगों को बहुत बार पूछा गया है, ये आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेना देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा अच्छे तरीके से कर लो। उसके बाद आप लोग को और आगे आओगे तो क्वेश्चन नंबर जो दिया है देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सातवां अच्छे तरीके से कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है
क्वेश्चन नंबर छठवें से आप लोग को कौन कौन सा अच्छे तरीके से करना चाहिए। देखो एक तो ये करना चाहिए, राइट द टाइप्स ऑफ द एग्जाम्पल एंड द बायोडाइवर्सिटी, राइट दिस फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करना चाहिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर से क्या करना चाहिए, देखो एक तो ज़्यादा मोलाई वाला आप लोग को बस स्टोरी पढ़ लेना आप लोग को हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को राइट द नेम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी स्पॉट, हॉट स्पॉट का दिया गया है और इसे बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेंट अभी जस्ट अंदर बताया पाँच पॉइंट का, आप लोग इजिली कर सकते हो, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर से। पांचवा जो लेसन है यूनिट टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट टेस्ट तो बहुत सारे लोग का सेकंड भी स्टार्ट हो गया, बट मैं आप लोगों से बोलता हूँ इसको कर लिए, जितना मैं बताया उतना अगर कर लिए तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। अब इसमें क्या होता है, टू वर्ड ग्रीन एनर्जी का, इसमें से कौन कौन सा किया जाए ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो ये एक डिफिनेशन दिया गया है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, इलेक्ट्रिक जनरेटर बस यहीं तक है आप लोग को, बस ये याद करके रखना इलेक्ट्रिक जनरेटर का डिफिनेशन, कभी भी कोई इतना आप लोग को नहीं बताएगा ये समझ के रखो। इसके लिए बस बोलता हूँ आप लोग फॉलो करो और अच्छे तरीके से जितना हो सकता यूज़ करो इसको, जितना हो सकता शेयर इसको। टर्बाइन का आप लोग का यूजेस देखो, टर्बाइन का यूजेस में बता दो, टर्बाइन इज़ द यूज टू रोटेट आर द मैग्नेटिक जनरेटर, बस आप लोग को हो जाएगा। अब टर्बाइन हैज़ द ब्लेड, बस इसे आप लोग को टर्बाइन का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मैग्नेटिक इन दिस जनरेटर को रोटेट करने के लिए। उसके बाद क्या करना चाहिए देखो ध्यान से, इससे से सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट आप लोग बस कर डालो ना तो भी हो जाएगा, बस फ्लो चार्ट मैं क्या बोल रहा हूँ इस चैप्टर से, बस फ्लो चार्ट आप लोग को जितना दिया गया फ्लो चार्ट आप लोग को पूरा अच्छे तरीके से कर डालो। उसके बाद और आगे आओगे तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम दिया गया, देखो ध्यान से प्रॉब्लम को आप लोग को अच्छी तरीके से करना, क्या करना देखो प्रॉब्लम देगा बट किसका प्रॉब्लम, देखो देखो यहाँ पर दिया गया है आप लोग को थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर का आप लोग को स्टेशन का आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम दिया। अब प्रॉब्लम क्या चीज़ है उसको ध्यान से देखना, प्रॉब्लम भैया इसमें कॉइल लिमिटेड है। उसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है अवेलेबिलिटीज जो दिया गया कोल का। उसके बाद और आगे आओगे तो एक दिया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यहाँ से, सीरियस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है, उसके एयर पोल्यूशन हो जाता है, ये सब बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इसको आप लोग को बस प्रॉब्लम एक बार पढ़ लिए ना तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो इसका भी पावर प्लांट बेस्ड ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी आएगा, इसका आप लोग को बस ये सब देखो जितना बस इसने से बस ये करके रखो, उसमें खाली जगह रहेगा उसको आप लोग एक्टिविटी भरना रहेगा। और आगे आ जाते पूरा जितना दिया ए वाला आप लोग को अच्छे तरीके से करके रखना, ए वाला अच्छे तरीके से आप लोग को करके रखना। उसके बाद आप लोग को क्या यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पर देखो ए वाला भी देखो दिया गया है। उसके बाद और आगे आओगे तो यहाँ पर देखो और एक मिनट, इसीलिए बोलता हूँ आप लोग बस अच्छे तरीके से इसको शेयर कर दिए ना 100% आप लोग को ज्योग्राफी का भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये दोनों का दो दो पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लेना, इसको एक बार पढ़ लेना एटलीस्ट पढ़ के ही जाना। अब उसके बाद और क्या करना चाहिए यहाँ है देखो काइनेटिक एनर्जी का दिया गया है, सी क्या है इस अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। और यहाँ पे देखो सोलार फोटो दिया गया वायलेटिक सेल, यहाँ तक है आप लोगों को सिर्फ इसको अच्छे तरीके से इतना ही पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद और क्या करना चाहिए देखो यहाँ पे देखो सोलार का दिया गया, इसको अच्छे तरीके से करो। उसके और आगे यहाँ पे देखो बस ये करना है आप लोग को। उसके बाद और क्या करना है देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर पाँचवा करना है अच्छे तरीके से, क्वेश्चन नंबर छठवां तीनों करना है, क्वेश्चन नंबर आठवें का, आप लोग अच्छे तरीके से कौन सा एनर्जी ऑप्शनेट फ्रॉम द फ्यूल नॉट ग्रीन एनर्जी नीड ए वाला बी वाला अच्छे तरीके से करके रखना। उसके बाद और आगे आओगे तो क्वेश्चन नंबर जो दिया नौवां,
क्वेश्चन नंबर 9 में से आप लोग को आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, इसमें रिक्वायर्ड टू दिस एनर्जी कंटेनिंग व्हाट इज द एडवांटेज, इसमें से दूसरा वाला अच्छे तरीके से कर को बी वाला, उसके बाद ये वाला तो पूरा आप लोग को स्टेप वाइज आप लोग को समझ के अच्छे तरीके से कर लेना है पूरा। उसके बाद आप लोग गिव रीजन में आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो टर्बाइन का नहीं, इसमें से आप लोग को करना चाहिए ए वाला कंट्रोल नेसेसरी, इट इज़ द बाउंड्रेड ऑफ दिस फोजिल ऑफ दिस, एक मिनट, एक तो आप लोग को पहला वाला करना चाहिए, ध्यान से सुना, पहला वाला और उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिस इज कॉल्ड रिनेबल, ए वाला सी, ए सी, ए और सी अच्छे तरीके से करके रखना चाहिए, ए सी अच्छे तरीके से करके रखना चाहिए और एक बार बी आप लोग को एटलीस्ट डी वाला पढ़ के रखना चाहिए, बाकी दो तो अच्छे तरीके से ए और सी अच्छे तरीके से करना चाहिए और डी आप लोग को एक बार पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया इसको, और इसे से ड्रॉ करने के लिए आप लोग को नहीं आता टेंशन मत लेना, इसे इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया गया, इसको एक बार देख सकते हो बट आता नहीं आप लोग को, इतना हो गया आप लोग को पूरा। अब उसके बाद यहाँ पर एक चौथे लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंस था एक्सरसाइज से मैं बताया ही नहीं आप लोग को, फोर्थ लेसन का ध्यान से सुनना कि बताया आप लोग को, एक मिनट बताया आप लोग को, तो आप लोग का जितना था फर्स्ट सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पांच लेसन का वो बता दिया, बस इस पर क्या करना जितना हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करना और जितना बताया बस एक ट्रस्ट करके आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से लर्न कर डालना।